पर्यावरण बचा रहता है और जिस तरीके से पॉल्यूशन आए दिन हो रहा है उससे है कि आदमी साइकिल ही चलाए तो बेहतर है, उसे शरीर भी अच्छा रहेगा, फिटनेस भी बना रहेगा। और ये कहाँ से आपको मिला क्या साइकिल? यहाँ 9:30 बजे सुबह में मैंने सपना देखा और सपने में नेताजी आए थे मुलायम सिंह जी, तो उन्होंने बहुत सारी बातें हमसे की और कि आज हमारे मन में आया कि चलते हैं साइकिल से, उससे पर्यावरण भी बचा रहेगा। और सपने में मेरे नेताजी ने खुद मेरे साथ साइकिल चलाया, इससे स्वभाव की बात और क्या हो सकती है। तो क्या यहाँ सभी लोगों को कहेंगे कि साइकिल से वो आए? सारे लोग को बोलेंगे, यहाँ तक कि आप लोग जो मोटरसाइकिल चला रहे थे आप लोग को भी बोलेंगे साइकिल से चलिए, इससे पर्यावरण हमारा बचा रहे। मुलायम सिंह जी सपने में आए हमारे और उन्होंने प्रेरणा दिया, उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करो, पर्यावरण मंत्री हैं और हम तो लगातार फील्ड में रह रहे हैं अपने कामों को लेकर के पर्यावरण को बचाने के लिए, और उनका प्रेरणा मिला। अब मैं सपने में वृंदावन जा रहा था, अच्छा, तो वृंदावन के रास्ते में नेताजी से फई गांव पड़ा था, अच्छा। तो मैं सोचा कि एक बार घूम लेता हूँ, अच्छा। और वहाँ हमारा रिलेशन भी है, तो जब मैं वहाँ गया तो देखा कि नेताजी कुछ नेताओं के साथ बैठे हुए थे, तो नेताजी हमको देखे तो वो पूरे तरीके से बोले कि अरे तेज प्रताप जी आप यहाँ, तो उसके बाद वो हमको लेकर के बोले कि हम उनको बोले कि हम पूरा गांव आपका घूमना चाहते हैं, तो उन्होंने हम बोले कि साइकिल पे घूमना चाहते हैं, तो उन्होंने तुरंत साइकिल मंगाया दो, एक वो खुद चला रहे थे और मैं चला रहा था साथ में। और निकलने में गया तो वहाँ पे नेताजी थे और किसी औरत से नेताजी बात कर रहे थे कोई गाँव की, तो उन्होंने अपना समस्या कुछ बताया होगा नेताजी को, तो फिर नेताजी से उन्होंने पूछा वो जो महिला थी कि ये कौन है आपके साथ, तो नेताजी ने कहा कि ये तेज प्रताप जी हैं बिहार से आए, और उसके बाद उन्होंने पूरा एक वहाँ शादी का फंक्शन था तो उन्होंने अटेंड किया और हमने भी अटेंड किया उनके साथ साथ, तो वहाँ भी उनको देख के अचानक से साइकिल के साथ लोगों ने चौंक गए सारे लोग। उसके बाद हमारे कमरे में जब हम अपने कमरे में बैठा था सपने में, तो कमरे में नेताजी हमारे ठीक सीट के बगल में मूढ़ा रखा हुआ उस पर बैठ गए, हम बोले चेयर पे बैठिए आप, तो वो चेयर पे नहीं बैठे मूढ़े पे बैठ गए। ऐसा क्यों? अब उनका सादगी तो वो बैठे वहाँ, उसके बाद मैं भी वहाँ ज़मीन पे बैठ गया। फिर नेताजी से पॉलिटिकल भी बातें हुई, उन्होंने हमको बोला कि आप डिपार्टमेंट संभाले हैं, आप खूब आगे बढ़िए, मेरा आशीर्वाद है और बहुत ऊंचाइयों तक जाइए। उसके बाद उन्होंने मुझे घड़ी दिया, जो वो घड़ी पहनते थे उन्होंने घड़ी मुझे दिया, और घड़ी देने के बाद जब मैं घड़ी लिया तो मैं भावुक हो गया, उनके चरणों को मैं आशीर्वाद लिया तो मैं रोने लगा, तो नेताजी भी मेरे साथ रोने लगे। हम बोले नेताजी को कि नेताजी आप हमको छोड़ के चले गए हैं, अब सारे लोगों को छोड़ के चले गए, तो नेताजी ने कहा कि मैं छोड़ के कहीं गया नहीं, मैं आप ही लोग के बीच में हूँ। सिर्फ अरण्य भवन आए या बाकी मंत्रालय भी जाएंगे साइकिल से? नहीं, अभी तो जो हमारा डिपार्टमेंट है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, हम साइकिल से आएंगे। और बाकी लोग Yeah.